जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, चेतन और अवचेतन मन, योर कॉन्सियस एंड सब कॉन्सियस माइंड। हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति है, यह स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी, मगर अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार करता है। यह इनपुट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता। अगर हम अपने मन में डर, शंका, नफरत के भाव भरें, तो हमारे आत्म सुझाव इन सभी भावों को सक्रिय बनाकर वास्तविकता में बदल देंगे। हमारा अवचेतन मन एक डेटा बैंक की तरह है, अवचेतन मन एक गाड़ी की तरह है और चेतन मन एक ड्राइवर की तरह है। इन दोनों में अवचेतन मन ज्यादा शक्तिशाली है। शक्ति तो गाड़ी में ही होती है, यह अलग बात है कि उसका कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। अवचेतन मन हमें फायदा पहुंचा सकता है और नुकसान भी। उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। अगर हम सफल नहीं हैं, तो हमारे अवचेतन मन को नए और सही तरीके से दोबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा। अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है, इसे कोई परवाह नहीं कि आप कैसे पौधे लगाते हैं। यह निरपेक्ष यानी नेचुरल है, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपका बगीचा सुंदर होगा, नहीं तो वह घास फूस से भर जाएगा। मैं तो एक और कदम आगे बढ़ाकर कहूंगा कि अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तब भी घास फूस उग ही आएगा, इसलिए उन्हें उखाड़ फेंकने का सिलसिला लगातार जारी रखना चाहिए। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है। याद रखिए, सही और गलत विचार हमारे मन में एक साथ नहीं रह सकते। हमें अपने अवचेतन मन को इस तरह ढालने की जरूरत है कि वह हमें सही रास्ते पर ले जा सके। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम आदि कैसे बनते हैं? हाउ डू वी गेट प्रोग्राम्ड? सोचिए, हमने साइकिल चलाना कैसे सीखा? इसके चार स्तर हैं। पहले स्तर को अवचेतन अयोग्यता कहते हैं। यह वह स्तर है जब हम यह नहीं जानते कि हम उस काम को नहीं जानते। बच्चा यह नहीं जानता कि साइकिल चलाना क्या है, मतलब अवचेतन। ना ही वह साइकिल चला सकता है, मतलब अयोग्यता। यह अवचेतन अयोग्यता का स्तर है। दूसरा स्तर चेतन अयोग्यता कहलाता है। ये ऐसा स्तर होता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होकर जान जाता है कि साइकिल चलाना क्या है, मगर वह खुद नहीं चला सकता, इसलिए वह चेतन तो है मगर अयोग्य है। फिर वह साइकिल चलाना सीखता है। यह तीसरा स्तर है जो चेतन योग्यता कहलाता है। अब वह साइकिल चला तो सकता है, मगर ऐसा करने के लिए उसे उस प्रक्रिया के बारे में सचेत ढंग से सोचना पड़ता है। इस तरह सचेत सोच और प्रयास के साथ बच्चा साइकिल चलाने योग्य है। चौथा स्तर अवचेतन योग्यता का है। यह तब आता है जब बच्चे ने पूरी समझ के साथ साइकिल चलाना इतनी अच्छी तरह सीख लिया होता है कि उसे अब संचेत रूप से सोचना नहीं पड़ता। यह सिलसिला अपने आप चलने लगता है। साइकिल चलाते समय वह लोगों से बात कर सकता है और दूसरों को हाथ से इशारा कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह अवचेतन योग्यता के स्तर पर पहुंच गया है। इस स्तर पर हमें ध्यान देने और सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह हमारे व्यवहार में खुद ब खुद उतरने लगता है। हम अपनी सभी आदतों को इसी स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। दुख की बात है कि शायद हमारी कुछ बुरी आदतें भी हमारी अवचेतन योग्यता के स्तर तक पहुंच जाती हैं और वे हमारी तरक्की में रुकावट डालती हैं।
अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कुदरत खालीपन को भर देती है और साथ में बदलाव का विरोध। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर DM कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।